हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका प्रतिभाज होम एंड किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने की दाल। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम काले चने लिए थे। इसको रात भर पानी में भिगो कर छोड़ दिया था। अभी अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे कुकर में डाल देंगे। ऊपर से जितना चना हमारा है उसका दुगना हम पानी डाल लेंगे। चने को हमें 3 से 4 सीटी आने तक पकाना है। तो इसे हम गैस पे पकने के लिए रख देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 4 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाए तो हम चने को निकाल लेंगे। आधे से ज़्यादा चने को हमें पीस लेना है और थोड़ा सा चना हमें खड़ा रहने देना है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। 2 चम्मच सरसों तेल ले लें। तेल गर्म हो जाए तो आधा चम्मच जीरा डाल दें, 2 सूखी लाल मिर्च और 3 से 4 तेज़पत्ता डाल दें। जीरा जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हम प्याज डाल लेंगे। 3 प्याज लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, लंबे स्लाइसेस में कटे हुए हैं। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। प्याज जब हल्के से ब्राउन हो जाए तो हम इसमें नमक डाल लेंगे। 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, आप स्वाद अनुसार डालें। नमक डालने के बाद हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। 2 टमाटर लिया है मैंने, देसी टमाटर है ये, इसे कट करके डाल दें। टमाटर को थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च और जीरे का पाउडर डाल देंगे। मैंने एक साथ काली मिर्च और जीरे का पाउडर बनाया हुआ है, आप चाहें तो अलग अलग डाल लें। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे। अब हमें टमाटर को गलने तक पकाना है। टमाटर जब अच्छे से गल जाएँ तो हम इसमें चना डाल देंगे, भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो पीसा हुआ चना है वो डाल लेंगे और मीडियम आँच पर 5 से 7 मिनट तक हमें इसे चलाते हुए भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाए तो हम इसमें पानी डाल लेंगे। ये दाल थोड़ी गाढ़ी ही रहती है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें। पानी डालने के बाद मिला लें अच्छे से। उसके बाद हम किसी प्लेट से इसे ढक देंगे। जब दाल में उबाल आ जाए तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और 10 मिनट तक दाल को पका लेंगे। बीच बीच में चेक करते रहें दाल को। दाल को पकते हुए अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच गर्म मसाला। गर्म मसाला डालने के बाद 5 मिनट हम और पका लेंगे। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमें दाल में तड़का लगाना है तो तड़का लगाने के लिए हम कोई भी तड़का वाला पैन ले लेंगे। 2 चम्मच देसी घी डाल लेंगे इसमें। घी जब गर्म हो जाए तो हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ कर डाल लेंगे। थोड़ा सा हींग डाल देंगे। जीरे को हमें ब्राउन होने तक पकाना है। जब भी हम दाल में तड़का डालने के लिए तैयार कर रहे हों तो गैस का फ्लेम हमें लो रखना चाहिए। इससे तड़का जलेगा नहीं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तड़के को हमें गरम गरम ही दाल में डालना है। यदि आप नया नया खाना बना रहे हों, बिगेनर हैं, तो ढक्कन लगाने के बाद ही तड़के को दाल में डालें, नहीं तो इसके छींटे आप पे आ जाएंगे। तो ये तैयार है हमारी दाल। दाल को सर्व करने से पहले इसमें 1 चम्मच और घी डालना ना भूलें, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।